ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं हमारे कुछ इंडियन कम्युनिटी के कुछ फेमस यूट्यूबर जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान यानी कि निश्चय भैया और कैरी मिनाटी यानी कि अजय भैया दोनों की एक एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो कि उन्होंने पब्लिकली शेयर की है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है, तो ये दोनों काम ज़रूर से कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिगर्ड इंसान यानी कि निश्चय भैया की स्टोरी के साथ, और आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। एक बार की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ एक पार्क में घूम रहा था रात के 9 बजे। मेरे दोस्त का नाम कुणाल था और हम दोनों आपस में ही नॉर्मली बात करते हुए इधर से उधर पार्क में घूम रहे थे। तभी हमने देखा कि एक बेंच पर एक लड़की बैठी हुई है, और जब हमने उसे ध्यान से देखा तब हमें लगा कि वो हमारी सोसाइटी की एक लड़की जिसका नाम डिम्पल है, वो वही है। और हमने देखा कि वो रो रही है, और जब हमने उसे रोते हुए देखा तब हमें लगा कि हमें उसके पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आखिर बात क्या है। इसलिए हम दोनों यानी कि मैं और मेरा दोस्त कुणाल, हम दोनों उस लड़की के पास गए और हमने उससे पूछा, डिम्पल क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने सोचा कि चलो एक और बार पूछते हैं। और फिर से हमने पूछा, डिम्पल क्या तुम ठीक हो। लेकिन इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, और हमने एक और बार पूछा, अरे डिम्पल जवाब दो, आखिर हो क्या क्या है। और जैसे ही हमने ये तीसरी बार पूछा तब वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और तभी हमारे सामने ही वो हंसने लगी। और जब हमने उसका ऐसा अजीब व्यवहार देखा तब हमें लगा कि शायद वो हमारे साथ मजाक कर रही है। इसलिए हमने उससे कहा, अरे डिम्पल ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, हमने तो तुम्हें कभी ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा, बात क्या है आखिर, अब मजाक बहुत हुआ। और फिर वो और ज़ोर से हंसने लगी और उसके बाद रोने लगी। वो काफ़ी ज़्यादा अजीब व्यवहार कर रही थी। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, हमें काफ़ी कुछ अजीब लग रहा था, हमें अंदर से काफ़ी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। तभी अचानक से उसने हंसते हुए हमारी तरफ देखा, और फिर जो हमने देखा उसे देखकर हमारा दिल दहल गया और हमारा जो खून था वो हमारी रगों में जम गया। हमने देखा कि उस लड़की का चेहरा आधा जला हुआ था और वो इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि आज भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। जब उसने हमारी तरफ हंसते हुए देखा तब हम इतने ज़्यादा घबरा गए कि हमने कुछ भी नहीं सोचा और वहाँ से हमने भागना ही सही समझा। मैं और मेरा दोस्त यानी कि कुणाल, हम दोनों भागते हुए काफ़ी देर तक परेशान हुए, और फिर हम आखिरकार एक मंदिर में पहुँचे और फिर आखिरकार हम एक मंदिर में पहुँचे और हम वहीं पर जाकर बैठ गए। हमने हमारे पेरेंट्स को कॉल किया और फिर हमारे पेरेंट्स ने कहा कि वो वहाँ पर आ रहे हैं, और हम ऊपर वाले को याद करते हुए उसी मंदिर में काफ़ी देर तक बैठे रहे। और फिर हमारे घर वाले आए, और जब उन्होंने हमें घबराया हुआ और डरा हुआ देखा तब उन्होंने हमसे पूछा कि आखिर बात क्या हुई, और हमने उन्हें सारी बातें बताई। और जब हमारे पेरेंट्स हमें घर लेकर जा रहे थे तब हमें रास्ते में वही लड़की नज़र आई यानी कि डिम्पल। उसे देखकर हमारा खौफ इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि हमारे पास कोई शब्द ही नहीं थे। उस इंसिडेंट के बाद मुझे तकरीबन एक हफ्ते तक काफ़ी ज़्यादा बुखार रहा, और रात को मुझे सपने में वही लड़की नज़र आती थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ होता था, और वो मुझे और कुणाल को देखकर हंस रही होती थी। ये सब इतना ज़्यादा डरावना था कि अगर मैं आज भी उस चेहरे के बारे में सोचता हूँ तब मेरी रूह कांप जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कैरी मिनाटी यानी कि अजय भैया की स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं।
ये बात है उस वक्त की जब मैं स्ट्रीम ख़त्म करके अपने किचन में गया हुआ था। मैंने वहाँ पर एक मैंगो शेक लिया जो कि मैंने पहले से ही बना कर रखा हुआ था। उसे मैंने एक गिलास में लिया और साथ में ही मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया। मैंने उन दोनों सामानों को एक जगह पर रख दिया और फिर मुझे लगा कि मुझे पहले हाथ धो लेने चाहिए, इसलिए मैं हाथ धोने के लिए सिंक के पास गया और फिर मैं अपने हाथ धोने लगा। लेकिन जैसे ही मैं हाथ धो रहा था तब मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई और तभी मेरे पीछे से मुझे कुछ आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जैसे कोई तेज़ी से मेरे पीछे से गुजरा हो। और मैंने पीछे की ओर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे इस बात का तो पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ तो मेरे पीछे ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं अपने हाथ धो ही रहा था तभी मैं अपने पीछे देखा। तब मैंने देखा कि जो मेरा गिलास था, यानी कि मैंगो शेक का गिलास, वो जहाँ मैंने रखा था वो वहाँ से थोड़ा आगे था, जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और फिर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं सीधा अपने पापा के रूम में भागता हुआ गया। और जब मैंने अपने पापा को सोता हुआ देखा तब मुझे लगा कि मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, मेरे सर से पसीना टपक रहा था, मैंने उस पसीने को पोंछा और फिर मैंने अपने पापा के रूम के वॉशरूम में हाथ धोए। और मैं हाथ धोने के बाद वापस से किचन में गया और जैसे ही मैं किचन में गया तो मैंने देखा कि जो मेरे किचन की ट्यूबलाइट थी वो बार बार जल बुझ रही थी, जिसकी वजह से मेरा खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया। और जिस सिंक में मैं पहले हाथ धो रहा था मैंने देखा कि उसका नलका भी खुला हुआ था, यानी कि उसमें से पानी गिरे जा रहा था। और मैं उस नलके को बंद करने के लिए उस नलके के पास गया और मैंने उस नलके को बंद कर दिया। मैंने अपने चिप्स का पैकेट और अपना मैंगो शेक उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। सीढ़ियों पे बिल्कुल अंधेरा था, मैं इतना ज़्यादा डर गया कि पूछो ही मत, क्योंकि उससे पहले मुझे अपनी घर की सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं लगी थी, लेकिन उस रात वो सीढ़ियाँ मुझे इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैंने जैसे तैसे उन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया और ऊपर वाले का नाम लेते हुए मैं आगे बढ़ता गया। मैं उस वक्त हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं अपने कमरे में आ गया। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था और वो जो आवाज़ थी जो कि मेरे पीछे हुई थी, वो आज भी मुझे डराती है और मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि उस रात आखिर मेरे साथ मुझे कोई वहम हुआ था या कोई अजीब घटना जो कि दूसरी दुनिया से संबंध रखती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आपको डरावनी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो इसी के साथ चलिए आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।